नमस्कार दोस्तों प्रणाम आदाब जय हिंद मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आज इस डेमो क्लास में जहां पे आप लोग ये सोचते हैं कि जब भी हम लोग लेकर चलते हैं सेशन अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो एकलव्य बैच में किन किन चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सारे के सारे मतलब इस तरीके के प्रीवियस ईयर पेपर यानी जब हम चैप्टर वाइज कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरीके के प्रीवियस ईयर पेपर पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर इस तरीके से पेपर फाइव पैटर्न आपको मिलेंगे तो उसमें से किस किस तरीके के पेपर पैटर्न में कराने वाला हूँ या कुछ आप लोगों को कराए जाएंगे मैं हूं या विनय सर तो, तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं बता दो आ, सेशन के लिए आप सभी तैयार हो जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दो फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन देखते हैं क्या कुछ है आप लोगों के लिए कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं तो सभी तैयार हो तो जल्दी से लिख दो भैया खुश रहो खुश रहो राइटर खुश रहो प्रकाश मल्होत्रा जो लोग राइटर अमित हमारे साथ हैं और कृष्ण यादव जल्दी से यार पहले जल्दी से मैक्सिमम लोग लाइक एंड शेयर ठोको फिर हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज हैं ठीक है थीके? तो अब जितने भी लोग मेरे साथ आज के सेशन में जुड़ेंगे मैं आपको एक एक चीज बताकर चलूंगा कि हर तरीके के क्या क्या आज सेशन में है आज डेमो में क्या क्या मैं लेकर आया हूं क्योंकि देखो अभी एम का रेगुलर बैच चल रहा था तो एम टी प्रीवियस ईयर पेपर तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर भी हो जाएगा सी का हम प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लेंगे ताकि हम ये कह सके कि अगर अब हमारे पास सी सामने है तो हम ये कह सकते हैं कि रीजनिंग का हमारा एक मार्क्स भी कम नहीं होना चाहिए और ईश्वर चाहेंगे तो बेटा ये कभी कम नहीं होगा ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं तो चले फिर आज का हम पहला सवाल दिखाते हैं सीधे चलते पहले सवाल पे एप डाउनलोड आप सब भी कर लीजिएगा जरूर कर लीजिएगा और ये हैं वो लोग जो कमेंट्स करते हैं लेकिन चलिए सीधे पहले सवाल पे चलते हैं अब इस पहले सवाल का आपको जवाब देना है डिक्शनरी ऑर्डर है अगर डिक्शनरी ऑर्डर की कम से कम मैं सौ क्वेश्चन कराऊंगा डिक्शनरी कर, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म जिसे कहते हैं और अर्थपूर्ण शब्द है ठीक ये मैं आपको कराऊंगा लेकिन जल्दी से ये बात याद रखना कि आप लोगों के लिए जो जरूरी है जैसे डिक्शनरी ऑर्डर है अब इसको करने का सिर्फ एक ही बेसिक तरीका है जो मैं आपको हमेशा ऑप्शन से एलिमिनेट करके बताता हूं अभी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे हिसाब से मतलब आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए भैया खुश रहो महादेव भक्ति खुश रहो और कृष्णा यादव भैया खुश रहो अब मेरी बात जरा सही लगे तो समर्थन करना कि सर का कहना सही है कि नहीं हमेशा क्वेश्चन जो भी है बेटा जी विकल्प से किया जाता है मैंने आपको आप थंबनेल में देखे होगा कि मैंने आपसे कहा कि आप एक ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता जैसे मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूं मेरी बात समझने की कोशिश करो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक दो तीन चार है अगर शुरू का ऑप्शन सारा का सारा अलग है शुरू का देखो एक दो तीन चार यानी अगर मुझे पहला पता चल जाएगा तो वही पहले आएगा और तो कोई

ठीक है पी आर आर ई एम तो हो ही नहीं सकता मतलब पी आर एम तक तो सेम है यहां तक तो सेम अब यहां ई e है नहीं हो सकता आई है क्योंकि ए सबसे पहले आता है और उस हिसाब से तीन होगा तो यह बात याद रखना मैंने सिर्फ ऑप्शन हटा के बता दिया कि सर ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा ठीक है अगर एक हम सेलेक्ट कर लेते फिर आगे वाला भी अगर हम नेक्स्ट है वो मतलब हम पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व नहीं करते कुल मिला के हम ये बोल रहे हैं समझ में आया तो एक बार यस सर बोलो डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन गलत होगा क्या डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन गलत होगा क्या नहीं होगा आगे चले चलो इसका आंसर बताओ।, इस का जल्दी से बताओ में। जल्दी से फटाक से शाबाश और देखो अब जो भी मैं आपको एक बार लिंक लगा दे रहा हूं आप उसे भी एक बार देख लेना जल्दी से इसका आंसर बताओ आज नहीं होगा परेशान मत होना कल हो गया था <laughs> जैसे लिंक लगाने की बात आई नहीं सर फिर सेशन खत्म हो जाएगा चलो कर लिया अब हम बताते हैं कि आंसर क्या होगा मेरी बात बहुत ध्यान से समझना देखो मेरी बात समझो जैसे हमने आपसे बोला आंसर क्या होगा देखो जो लोग सिलॉग नहीं जानते उनको बिल्कुल आगे बुलाओ जो एकदम सिलॉग नहीं जानते इसको तो मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा लेकिन मेरी बात समझना जैसे हमने बोला सम हेजेज आर नट्स तो सम हेजेस आर नट्स बोल रहा है तो हमने क्या बोला सम हेजेस आर नॉट नट्स बोल रहा है तो ये हेजेस है और हेजेस का जो कुछ पार्ट है वो कुछ पार्ट है वो क्या है नट्स नहीं है पहले बताओ डायग्राम समझ में आया उसने बोला हेजेस का तो ये हेजेस का जो ये वाला पार्ट है ना ये ये थोड़ा सा और बड़ा बना दिया हेजेस का कुछ पार्ट नट्स नहीं है डायग्राम सही है बिल्कुल हाँ या ना डायग्राम बिल्कुल सही है ऑल नट्स आर लिवस तो पूरा नट क्या है लीव्स है तो ऑल नट्स आर लिवस हो गया पहले बताओ यहां तक समझ में आया ऑल नट्स आर लिवस हो गया पहले बताओ यहां तक समझ में आया ऑल नट्स आर लिवस हो गया समझ में आया चलो अभी ये बोल रहा है ऑल नॉट ऑल नॉट याद रखना जब नीचे लिखा रहता है ऑल नॉट जब भी कंक्लूजन में लिखा रहता है तो इसे all समझने की गलती मत कर देना कि कि है है याद रखना all nuts are not, का मतलब हो गया कि no nuts are, बोल रहा है। ये बात याद रखना यही यही एग्जाम में आप गलत कर देते हैं आपको लगता है, यो all पूछ रहा है। ये नहीं जब ऑल नॉट जैसा शब्द आता है, ये में हमेशा no होता है। और ऑल नॉट बोले ऑल हैजेज आर नॉट नर्स ऑल हैजेज आर नॉट नर्स ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे देखते ही बोले सर नहीं समझ में आया थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए नहीं समझ में आ रहा है मैंने कहा अच्छा फिर से समझो बेटा जी ये जो ऑल नॉट है ना जितना बोलूं सिर्फ उतना समझना ऑल नॉट कभी भी कंक्लूजन में आ जाए फिर से मेरी बात समझना ऑल नॉट कभी भी कंक्लूजन में आ जाए तो ये याद रखना ये नो no है ऑल नॉट कभी भी कंक्लूजन में लिखा रहे तो ये बात याद रखना ये नो है याद रहेगा क्योंकि बोला ना सभी नट्स हैजेज नहीं है तो वो भी ऐसे भी बोल सकता था नो नट्स आर हैजेज तो ये बात याद रखना कंफ्यूज मत होना फिर बोला ऑल लीव्स आर हैजेज पूरा लीव्स हैजेज एंड नहीं तो ये भी गलत है यानी सारे के सारे गलत होंगे ठीक है ऑल नट्स आर नॉट हैजेज नहीं 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 गलत है तीसरा सही नहीं होगा गलत है सभी गलत है सभी गलत है, सभी गलत है। सभी गलत है कहा हाँ, बिल्कुल गलत है सभी गलत है जल्दी से आंसर बताओ हाँ जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा देखो मैं बार बार कहता हूँ ये है तुम्हारा टाइमर ये है तुम्हारा क्वेश्चन मैं अभी अब सामने नहीं हूं जल्दी से कैलकुलेट करो और आंसर बताओ क्या होना चाहिए बात सही लगेगी तो समर्थन करना फटाक से आंसर बताओ हाँ अब अगर ये कैलकुलेशन देखो बिल्कुल सही बात है संदीप सलोनी बिल्कुल पंकज बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है लेकिन आपको इस तरीके का कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा कि हाँ सर ऐसा कैलकुलेशन हम इस तरीके से करेंगे ठीक है हाँ ठीक है चलो ठीक है हाँ आ रहा है कि नहीं पहले बताओ समझ में आ रहा है तो यस सर बोलो समझ में आ रहा है तो यस सर बोलो फिर हम कैलकुलेट करके समझाएंगे कि कैसा होगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो जरूर बेटा ये बात याद रखना एग्जाम में ऐसे सवाल पूछेगा जरूर सर्टेन वे इफ इन अटेन वे फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री टू थर्टी टू कैसे कैलकुलेट होगा अब मेरी बात सही लगे समर्थन करना ये फाइव है बोले हाँ सर, ये थ्री है तो उसने क्या किया फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर पचहम पच्चीस प्लस तीन त्रो का नौ आपस में घटा दो घटा देंगे तो नौ छह पंद्रह यानी सोलह आ गया और सोलह का अगर दो गुना कर देंगे तो सोलह दुना

हाँ नौ पाँच चौदह हो गया ठीक है नौ पाँच चौदह ठीक है पंद्रह आ गया और पंद्रह का अगर हम दो गुना कर देंगे तो पंद्रह गुना तीस होना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो थर्टी आंसर आएगा आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है भैया खुश रहो रबी खुश रहो शिवम तिवारी समझ में आ रहा है मनीषा मीना समझ में आ रहा है अर्पित रॉय समझ में आ रहा है बक, बक्स हाँ भास्कर सिंह भास्कर सिंह आ रहा है समझ में तो इस इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है फिर दो गुना कर देना और यही चीज बेटा अगर रेगुलर सुनते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे ये सवाल है अब आप इसे अंडर एस्टिमेट कर दो कि सर हम नहीं देखेंगे तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं सो so, प्लीज आराम से सॉल्व करो मुझे बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत है आप मुझे बताओ कि सर ये आंसर होना चाहिए नहीं समझ में आएगा आप हमको टोक देना कि सर ये हमको नहीं पता है आराम से सोच लो मुझे बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं लगा लो दिमाग और मैं बार बार कहता हूं कि देखो अगर अब जो सी एच एस एल का पेपर तुम देखोगे जितना भी कैलकुलेशन मैंने आपको अपने पेड बैच में कराना है जो लोग भी मेरे पेड बैच में आ रहे हैं और जो लोग रेगुलर मेरे पेड बैच में जुड़ रहे मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मुझे तुम्हारी नस पता है पूछो क्यों दुनिया का कोई भी बंदा हो जो तैयारी कर रहा हो बोलो मिसिंग नंबर के सारे क्वेश्चन कर लोगे क्या कर

आनंद दीपेन कुमार आनंद कुमार अजय कुमार आनंद अंशु कुमारी हाँ, जल्दी से देखो हम्म। आप समझे नहीं देखो जब हम आपसे पूछते हैं आंसर क्या होगा देखो ये क्या है ट्वेंटी वन ये क्या है 19 और ये क्या है 11 उसने क्या किया 21 वन प्लस नाइनटीन प्लस इलेवन ठीक है इनको आपस में जोड़ के डिवाइडेड बाई थ्री कर दिया डिवाइडेड बाई थ्री कर दिया आगे बात समझ में तो इससे क्या होता है आसान हो जाएगा ठीक है नौ एक दस हो गया दो एक एक दो एक तीन यानी उन्नीस ग्यारह तीस हो गया तीस में तीस में इक्कीस जोड़ेंगे इक्यावन हो गया और सत्रह तरीक इक्यावन होता है ये सभी को पता है इक्यावन हो गया और सत्रह से डिवाइड कर देंगे सॉरी तीन से डिवाइड कर देंगे और जैसे ही आप तीन से डिवाइड करेंगे सत्रह तरीक इक्यावन होता है सत्रह आराम से आ जाएगा आशा करते हैं समझदार होंगे फिर से अगर आपसे पूछेगा क्या होगा तो ये ट्वेंटी है तो यहाँ पर ट्वेंटी लिख दिया ये सिक्सटीन है तो प्लस सिक्सटीन लिख दिया ये छब्बीस है तो प्लस छब्बीस लिख दिया डिवाइडेड बाई थ्री लिख दिया डिवाइडेड बाई थ्री लिख दिया तो यहां है ना अब जैसे आप इससे पीछा छुड़ा लो भाग लो कि हम नहीं करेंगे हमसे नहीं हो रहा है तो हम हम क्या कहेंगे तथास्तु ज़्यादा दूर नहीं है एग्जाम फिर आप ही परेशान होंगे कि सर हमको समझ में ही नहीं आ रहा है सर हम कहा से करें इसका आंसर बताओ सबको जोड़ना था अब देखो ये आराम से कैलकुलेट कर लो लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ट्वेंटी वन सेकेंड में आंसर दे के दिखाओ ट्वेंटी वन सेकेंड में आंसर करके दिखाओ कैलकुलेट कर लो कि सर इस तरीके से होना चाहिए अब इसका रीजन के साथ जवाब के दिखाओ रीजन के साथ जवाब देना एक बार रीजन के साथ जवाब देना कि सर मेरे हिसाब से ये ये आंसर आना चाहिए बात मेरी सही लगे तो समर्थन करना कि हाँ सर इस तरीके का क्वेश्चन हमको करना है पहले सोच के बताओ ऐसा इसका आंसर क्या आएगा ठीक है इसका आंसर क्या आना चाहिए बात सही लगेगी तो समर्थन करना छब्बीस चलो हम बताएं। हम बताएं। देखो अगर हमने आपसे कहा कि इसका आंसर क्या होगा तो जरा बहुत गौर फरमाइएगा यहां पे क्या लिखा है पांच लिखा हुआ है पाँच से एक छोटी संख्या चार होती है ये आठ लिखा हुआ है आठ से छोटी संख्या सात होती है सात में चार का गुणा कर देंगे अट्ठाइस हो जाएगा बोले अरे हाँ यार सही तो है ये चार गुड़े चार हो जाएगा क्यों क्योंकि इससे एक छोटी संख्या इससे एक छोटी संख्या तो सोलह हो जाएगा ये पाँच गुड़े सात हो जाएगा तो यहाँ पे पैंतीस हो जाएगा क्योंकि इस ये इससे एक छोटी मतलब एक एक छोटी रख लेंगे तो इसमें दो गुड़े एक हो जाएगा तो आंसर दो आना चाहिए टू विल बी द राइट आंसर टू विल बी द राइट आंसर

अब मैं बार बार कह रहा हूं या तो तुम छोड़ के भाग जाओ या तो सुन लो कि हां सर हमारे साथ ये होना चाहिए हाँ आराम से सोच लो बात सही लगेगा तो मुझे बताना कि हां सर ये वाला होना चाहिए सोल्यूशन तुम सोच लो और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं एक एक लाइन समझाऊंगा परेशान नहीं होना कबीर थैंक यू सो मच मेरे दोस्त लव यू टू दोस्त लव यू टू गीता कुमारी मनीषा मीना और भैया ठीक है हाँ ठीक है चलो सही लगेगा तो समर्थन करना बताएं हम देखो अब एग्जाम में क्या होता है कि तो हम अब इसमें देखो सारे नंबर लगभग आगे पीछे हैं तो हमको लगता है कि सर हम इनको यहां से सॉल्व करें या इनको हम यहां से सॉल्व करें ये दो बातें हमारे दिमाग में आती हैं ठीक है ये दो बातें हमारे दिमाग में आती है और ये सबसे कठिन सवाल होता है बेटा सबसे कठिन सवाल होता है क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि सर इस तरीके के सवालों में हम सबसे ज्यादा उलझते हैं अगर कोई बड़ा नंबर यहां लिखा होता तो ये हो जाता कि इन दोनों को चाहे जैसे कैलकुलेट करो या नंबर लाओ लेकिन यहां पर यह कठिन सवाल में आ जाता है अब बोले सर कैसे करें तो देखो उसने पर्टिकुलर इस सवाल में तो किया है कि कौन इसमें मैक्सिमम पॉइंट आंसर एक ही होता है बेटा एक ही आंसर आएगा जिसे कहते हैं कॉन्स्टेंट नंबर बोले सर कॉन्स्टेंट नंबर क्या होता है देखो नंबर उसे कहते हैं जैसे पे बोलेगा कितना जाएगा? जोड़ देंगे तो बोले ग्यारह में सात जोड़ देंगे तो अठारह आ जाएगा तो यहाँ पे इस वजह से सात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है तो जो चीजें हम साउंड तरीके से पढ़ सकते हैं जो चीजें हम समझ सकते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसमें इस तरीके से परेशान होना चाहिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आशा करते हैं समझ में आ गया होगा ठीक है आगे चलते हैं अब ये बोला एट सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सेवन वन को अगर आरोही क्रम में लिखें यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो कितने अंक अपने स्थान परिवर्तित कर देंगे जल्दी से बताओ ठीक है। एट सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सेवन वन ठीक तो अगर हम आपसे बोले तो यहां पे क्या लिखा है एट सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सेवन वन अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें यानी चढ़ते हुए क्रम में लिख दें आरोही क्रम में जिसे चढ़ता हुआ क्रम कहते हैं आरोही क्रम में लिख दें तो कुछ इस तरीके से लिखाएगा ठीक है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब उसने पूछा कि ऐसे कितने हैं जो अनचेंज्ड होंगे वो क्या होंगे अनचेंज्ड होंगे उसने बोला ना कि रिमेन अनचेंज आफ्टर द डिजिट्स आर रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर तो कितने अनचेंज होंगे एक केवल सेवन एक ऐसा नंबर है जो कि अनचेंज रहेगा अपनी जगह रहेगा वरना सारे नंबर अपनी जगह बदल देंगे कितने लोग सहमत हो कि अतुल सर सही पढ़ा रहे सहमत हो मेरी बात से खुश रहो बेटा खुश रहो बेटा तो बिना बर्थडे के भी हम आशीर्वाद देते रहते परेशान नहीं हो कि हम बर्थडे अपना बोलेंगे सर हम एक्स्ट्रा आशीर्वाद देंगे हम सभी को कहते हैं कि भगवान करे मेरे जबान पे सरस्वती विराजमान हो आप दिन दुगना रात हजार गुना सब तरक्की करें ठीक है हाँ देखो ये आसान है देखो इसी को हम कहते हैं सी सी सवाल ये आराम से हो जाएगा ये आराम से हो जाएगा अगर ये कोई नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए बड़ा फिर दुर्भाग्य वाली बात है कि अभी उनकी तैयारी में बहुत कमी है ये तो एकदम आसान सा सवाल है एकदम ही आसान सा सवाल है इसमें तो कुछ करना भी नहीं है सोच के देखो अगर हमने बोला कि आंसर क्या होगा यहां पर क्या लिखा हुआ है तीन लिखा हुआ है तो तीन का स्क्वायर कर दिया फिर प्लस कर दिया फिर प्लस कर दिया फिर चार का स्क्वायर कर दिया यहां पे नाइन प्लसटीन सोलह नौ पच्चीस हो गया यानी स्क्वायर करके ऐड कर देना है ज्यादा कुछ है नहीं चलो आगे चलते हैं इसका आंसर बताना है कैलकुलेशन कैलकुलेशन फटाक से कैलकुलेशन बताओ भागना नहीं नहीं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है करना आप ही को है सॉल्व आपको करना है लेकिन मिसिंग नंबर टाइप के क्वेश्चन बेटा जी जरूर कर लिया करो हाँ शाबाश हाँ कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सही है बहुत ही शानदार अब देखो उसने यहाँ पे क्या किया बात सही लगेगी समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि उसने क्या किया यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर दिख रहा है यहाँ पे पांच है यहाँ पे दो है यहाँ पे तीन है तो तीन दो पांच पांच पांच, पांच दस में दो जोड़ दिया बारह हो गया तीन दो पांच 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 दस दस में दो, दो जोड़ दिया बारह हो गया ऐसा कुछ हो रहा है बोले नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा कभी जिंदगी में आंसर नहीं ला पाएंगे और मैं प्रॉमिस करता हूं तुम लोग जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो निन्यानवे दशमलव नौ प्रतिशत तुम हल करके दिखा दो ओपन चैलेंज दे रहा हूं करके दिखा दो और मैं जो चीजें समझा रहा हूं बहुत दिमाग से समझना कि इसे हवा में नहीं लेना ठीक है सोच समझ के करना सोच समझ के करना ठीक है कैसे जरा देखो अगर हमने आपसे कह दिया हमने आपसे कह दिया कि ये यह पे दो है प्लस तीन है प्लस बारह है और प्लस पाँच है ठीक है इनको ऐड करोगे तीन दो पाँच 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 दस बारह बाईस बाईस आया ये कांस्टेंट नंबर का क्वेश्चन है यानी यहां पे अगर हम छः प्लस, प्लस दस जोड़े तो बीस आ गया बीस में ऐसा क्या जोड़े कि बाईस आ जाए तो यहां पे दो जोड़ेंगे तो बीस दो बाईस आ जाएगा आगे बात समझ में और जिनका जिनका गलत है और मैं बार बार कहता हूं कि जितने लोग अगर मेरे पेड बैच में कभी आते हैं मैं एक चीज जानता हूं कि अगर अगर तुम लोग जिंदगी में एक बार भी मेरा पेड बैच किए हो तो तो पहली बात हर एक चैप्टर घोल के पिलाने की मेरी जिम्मेदारी है जो लोग भी मेरे पेड बैच में आते हैं मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हर एक चीज घोर के मैं ये मेरी जिम्मेदारी मैंने सबको फ्री में ऐप डाउनलोड करवाया कोई एक ऐसा सिंगल बच्चा नहीं कह सकता कि मैंने ऐप डाउनलोड उसको नहीं करवाया है और सबको डाउट सेशन मिल रहा है किसी को भी डाउट है वो आराम से उसे देख सकता है आराम से देख सकते हैं बस उस नीली पट्टी से ऐप डाउनलोड करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है तो हम समर्थन करना नहीं होगा तो हमको टोक देना पहले आराम से सोच लो गीता कुमारी थैंक यू सो मच सजन ठीक है रेगुलर हमारे साथ एक बार जुड़ लिया करो ताकि हम हर चीजें आपको बता दे चेंज हो गया क्या नहीं नहीं सही है चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा फटाक से बताओ कैलकुलेशन बता दो कि सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए अब इससे आसान क्वेश्चन अच्छा देखो मेरी बात सबका कमेंट मैं इसीलिए जाके पढ़ता हूँ कि कम से कम कोई गलत ना करे देखो तुम ध्यान नहीं दिए उसने बोला कि देखो मुझसे आसान कुछ हो सकता है उसने कहा मुझसे आसान कुछ हो सकता है लेकिन जाओ तो मुझे से जाओ मुझे छोड़कर मत जाओ चार दुना आठ करो तो बारह पे जाना है तो चार त्याई बारह करो आ गई बात समझ में चार त्याई बारह करो छुनी बारह है लेकिन फिर क्षेत्रीय अठारह भी है ये ये याद रखना बस छह दुनी बारह है तो क्षेत्रिक अठारह अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा उससे अलग लेवल का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करके दिखाओ ये करके दिखाओ जरा ये करके दिखाओ देखिए कितने लोग कर पाते हो ये करके दिखाओ एक बार देखें कितने लोग कर पाते हो बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या नहीं बात सही लगेगी तो मेरा समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या नहीं हाँ अगर बिल्कुल सही लगे तो मुझे बताना कि इसका आंसर यह होना चाहिए गीता कुमारी एसएससी मैथ्स जल्दी से सोच लो कि सर ये होना चाहिए अब तुमने देखो इस तरीके का इसे सेट का क्वेश्चन कहते हैं सेट के क्वेश्चन में क्या होता है एटीन प्लस ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई टू ये क्या हो गया अगर हम बोलें कि एटीन प्लस ट्वेंटी नाइन नहीं टू से डिवाइड होगा ही नहीं नौ आठ सत्रह प्राइम नंबर मतलब ऑड नंबर बनेगा अब हम क्या करें एटीन प्लस फोर्टी कर देते हैं और फिर डिवाइडेड बाई टू कर देते हैं देखते हैं आंसर आता है कि नहीं अट्ठावन हो जाएगा डिवाइडेड दो चार दो आ गया। इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई टू करना है, इन दोनों को जोड़ना है और डिवाइडेड सहमत हो तो बताना एटीन तो प्लस फोर्टी डिवाइडेड बाई टू यानी टू इट्स कॉल्ड अंडरस्टैंड उसी तरीके से आपको कैलकुलेशन देखना है और आप बता दोगे कि सर आंसर क्या होगा यानी बावन प्लस चौदह बावन प्लस चौदह करेंगे डिवाइडेड right समझ के सोच समझ के क्वेश्चन करो मजा आए तो मुझे बताना कि सर दिल खुश हो गया अब इस तरीके का क्वेश्चन हमको बताते रहिए अब हम कर लेंगे आराम से कर लोगे लेकिन ट्राई करना पड़ेगा ना बेटा हम ही आपको ट्राई करना पड़ेगा ना भागेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा कि सर अब पहले ट्राई करके देखो आंसर क्या होना चाहिए सही लगेगा तो समर्थन करना लोग कैसे पी लेते हैं ग्रीन टी यार इतना ज्यादा कड़वी होती है और पता इस समय मैंने प्रण लिया है कि आपको दो महीने के अंदर अतुल सर दुबले होकर दिखाएंगे हाँ, हमने भी प्रण लिया ना तुम लोग सिलेक्शन लेके दिखाओ हम कम से कम 20 किलो वजन कम करके दिखाएंगे <laughs> चलो हाँ क्योंकि प्रोफेशन ऐसा ना दिन भर केवल जंक फूड खाओ फिर ना चाहते हुए भी वे वेट बढ़ जाता है जैसे तुम लोगों के मम्मी पापा भी कहते होंगे हमारा लड़का बड़ा दुबला है इसके शरीर में मांस लगता ही नहीं है उन माँ बाप को क्या पता कि एक बार लड़के की जॉब लग जाए और उसको कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो कि ये क्या खा रहे हो तो दो रुपए का समोसा भी खाएगा ना तो, तो भी वो मोटा हो जाएगा अभी जहाँ बचा बचा के पैसा से खाते हो ना तो अभी शरीर नहीं बनेगा माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे जल्दी से सिलेक्शन हो जाए फिर देखना घर वाले कहेंगे कुछ तो कम कर ले कितना मोटा होगा अब का नौ तो अगर इसमें नौ जोड़ दे सोलह नौ पच्चीस ट्वेंटी फाइव विल बी द राइट आंसर ट्वेंटी फाइव विल बी द राइट आंसर हाँ बिल्कुल सही बात है पच्चीस बिल्कुल सही होगा पहले आंसर टिकोगा होगा फिर ऑप्शन आएगा डांसर ग्रेजुएट सिंगर सही डायग्राम क्या होगा डांसर ग्रेजुएट सिंगर सही डायग्राम क्या होगा एक बार जब तुम लोगों को जॉब लग जाएगी ना तुम लोगों की जब तुम लोग ऑन जॉब आ जाओगे ना तो देखना कि, तुम लोगों कि चेहरे की चमक क्या होगी दिखता था माँ बाप की किसी दूसरे की कमाई है नहीं पहले की बचपन की फोटो देखो और जब कमाने लगो और फिर अपने चेहरे का ग्लो देखो तुम खुद कहोगे बात सही है और विश्वास ना हो एक देखना हो कपिल शर्मा की पुरानी फोटो देखो और अब कपिल पिल शर्मा को देखो और कहोगे कि सर पैसा बोलता है आ, सफलता बोलती है जब जीवन में कुछ पा जाते हैं तो फिर आनंद ही आनंद होता है तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है एडॉप्ट कर सकते हैं एक इस जो ग्रेजुएशन ग्रेजुएट है वो डांसर भी हो सकता है कुछ डांसर सिंगर भी हो सकते हैं कुछ सिंगर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं तो ग्रेजुएट डांसर और सिंगर ये आपस में एक दूसरे को एडॉप्ट कर लेंगे बेटा बहुत ही शानदार सवाल करा रहा हूं दिल खुश हो जाए तो मुझे बताना कि सर मुझे बस और मैं ये सब बनाता हूं अपने हाथ से मतलब ये जो तुम देख रहे हो अगर मैं पेपर मतलब अगर केवल स्क्रीन शॉट लगाऊं तो तुमको मजा नहीं आएगा ये मैं बनाता हूँ पावर पॉइंट पर कि कम से कम तुमको बड़ा बड़ा दिखाई दे कि हाँ सर ये ऐसे होगा हाँ अभी इससे आसान सवाल है लेकिन ये चीजें मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि कम से कम आपको ये एक बार दिखाई दे कि सर ये ऐसा होगा अब ये कैलकुलेशन थोड़ी ना इसका टफ है उसने कैलकुलेशन में इसमें कुछ नहीं किया है कैलकुलेशन में कुछ नहीं किया ये दो है ये सात है ये बारह है ये पांच है सबको जोड़ दो छब्बीस आ जाएगा कैसे टू प्लस फाइव प्लस ठीक है पांच दो सात सात चौदह और 12 26 ठीक है फिर यहां पे क्या होगा 14 1 1 13 14 प्लस थर्टीन प्लस वन प्लस वन एक एक दो तीन दो पांच यानी पंद्रह और चार उन पांच चार नौ यानी ट्वेंटी नाइन विल बी द राइट आंसर कहां इसमें कुछ संघर्ष करना पड़ा लेकिन आपको सुनना पड़ेगा बेटा जी आपको देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूं उस बात में कितनी सत्यता है अब देखो इसमें बोल रहा है कि थ्री प्लस फोर फोर अब यहां पे सीधे सीधे से क्वेश्चन है ठीक है ये आराम से हो जाएगा लेकिन लिखा इस तरीके से कि आप ना कर पाए ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे ना हो आप ट्राई करके देख लो एक बार खुश रहो बेटा खुश रहो खूब उन्नति करो बेटा खूब उन्नति करो पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो मैंने आपसे बोला यहां तीन तीन लिखा है तो यहां पे तीन लिख दिया मैंने बोला यहां चार चार लिखा है तो यहां पे चार लिख दिया और तीन तीन चार चार आपस में गुणा कर दिया तो चार त्याई बारह बारह का तीन गुना कर दिया तो बारह तिहाई छत्तीस हो गया बोले हां सर ये यहां पे क्या लिखा हुआ है पांच पांच लिखा हुआ है पांच लिख दिया यहां क्या लिखा हुआ है छे लिखा है गुणा कर दिया छः पंचे तीस हो गया तीस का तीन गुना कर दिया तो नब्बे हो गया बोलो बात सही है फिर ये नौ पांच है नौ गुड़े पांच नौ पन्ना पैतालीस पैंतालीस गुड़े तीन आ, नब्बे और नब्बे एक सौ पैंतीस एक सौ पैंतीस एक सौ पैंतीस सही होना चाहिए हाँ हा, मैथ और इंग्लिश के लिए बेटा भी इस बार मैंने आपको बोला था ना जितने लोगों ने मैं आपको इस यही चीज बोल रहा था कि जितने लोगों ने वाई टू सेवन टू कूपन कोड लगाया था यही दर्द उनका भी था मैं सॉरी मैंने इंटेंशनली सबके लिए व्यवस्था की है बेटा अब आप यह नहीं कह सकते कि अतुल सर आ, मे, मेरा यह नहीं समझ में आया मैं ये कैसे करूं नहीं मैंने ये सबके लिए ये मैंने बोला है सबको मैंने बोला है कि जिनकी जिनकी मैथ्स इंग्लिश कमजोर है बार बार मैंने कह रहा अब मैं कहां से हनुमान हूं क्या सर पटक दू एक तो तुम्हारा दिमाग यह चलता है कि हम पैसा क्यों खर्च करें मैं बार बार कहता हूं अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम है तुम सिर्फ ये कूपन कोड लगा के छोड़ दो बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो तुमको सेवेंटी ऑफ भी मिल जाएगा तुमको मेंटोरशिप भी मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा और जितनी फैकल्टी है मैं पहले क्लास में आके कबूलवा

ठीक है तो पाँच दूना दस दस में एक चला गया तो नौ बचा नौ बचा है ना और एक बात देखो ये कितनी अच्छी बात है ना अगर एक बार बेटा तुम प्लस बना दो तो इसको माइनस बनाने में ना तुमको बहुत मोटा कलर करना पड़ेगा तो भी प्लस अपनी जगह नहीं छोड़ेगा ये होते हैं अच्छे संबंध जो कोई सच में बिना निज स्वार्थ के कहीं प्रेम होता है ना किसी के बीच तो जैसे एक बार तुमने ऐसे करके प्रेम बना लिया और ये प्रेम निस्वार्थ भाव का है तो इसमें चाहे कितने लोग फूट डालें कितना तुम्हें कोई भड़काए कितना भी कुछ करे प्लस को कवर करने में बहुत टाइम लगेगा इसको मिटा दोगे तभी खत्म होगा ये संबंध बहुत कम मिलते हैं जिंदगी में प्लस को माइनस नहीं माइनस है तो आप उसमें अच्छे संगत में इसको प्लस बना देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा अंदर से नकारात्मकता हटाई जा सकती है अगर आप कोशिश करें लेकिन अगर सच में आप अच्छे से जीवन में आगे बढ़ गए हैं तो किसी की औकात नहीं कि आपको माइनस कर दे इस तरीके से रगड़ता रगड़ता मर जाएगा लेकिन कभी माइनस नहीं कर पाएगा है ना तो ये बात याद रखना और अगर करेगा भी तो दुनिया पहचान जाएगी कि यह ऐसा गंदा था नहीं इसको समाज ने बना दिया है चलो ये बात हमेशा याद रखना लाइफ है दोस्तों हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ है। दिन का सोलह लिखा हुआ है नीड का छप्पन लिखा हुआ है पेन का क्या होगा पहले मैं टाइमर चला दूं फिर आप देख लो हां जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा कैलकुलेट कर लो समझ में आ जाए तो मुझे बता देना कि मेरा कहना सही है कि नहीं हाँ ठीक है हाँ हो जाए तो ठीक है नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं देख लो आ जाए समझ में तो ठीक है नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं संदीप भैया जो कर वो मैं करवा दूंगा टेंशन नहीं रहना वो रेगुलर जो चल रहा है उसी हिसाब से उसमें दिक्कत नहीं आएगी करवा देंगे देखो जैसे हमने आपसे बोला डीन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है डीन डी दी ई -ए एन क्या लिखा हुआ है डीन तो डीन में ये इसकी प्लेस वैल्यू चार है और अगर इसका चार है चार है और चार का किस में गुड़ा कर दें चार में गुड़ा कर दें तो चार चुग सोलह हो जाएगा ये एक तो चार इसकी प्लेस वैल्यू है अगला चार इसका स्क्वायर नहीं है जो तुम सोचोगे सर चार का स्क्वायर सोलह हो गया नहीं वो एक दो तीन चार है ठीक है ये नहीं समझ लेना जैसे यहां पे ये क्या है चौदाह है तो चौदह का गुणा एक दो तीन चार से होगा तो चौदह चौको छप्पन हो जाएगा अगर उसी तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू सोलह है तो सोलह गुड़े एक दो तीन हो जाएगा बत्तीस सोलतियां अड़तालीस हो जाएगा आप समझी ये सोलतियाँ अड़तालीस हो जाएगा आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा सभी को ठीक है तो इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करना कि सर ये ऐसे हो जाएगा इसका आंसर बताओ डॉक्टर में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अंतर है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में है इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मुझे बताओ जल्दी बताओ कैसे करोगे समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि हाँ सर ये हम ऐसे कर लेंगे जल्दी से सोचो डॉक्टर जल्दी से सोचो अगर हम आपसे बोले डॉक्टर लिखा हुआ है तो डॉक्टर कैसे लिखा होता है डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर इसकी प्लेस वैल्यू चार है इसकी प्लेस वैल्यू पंद्रह है इसकी प्लेस वैल्यू तीन है इसकी प्लेस वैल्यू बीस है इसकी प्लेस वैल्यू पंद्रह है इसकी प्लेस वैल्यू अट्ठारह है ठीक है तो अगर हम बात करें तो यहां पे इनके बीच कौन सा जो वही अंतर हो अठारह उन्नीस बीस यानी देखो ये जब तुम लिखते हो ना आर एस तो आर और टी के बीच में एक अल्फाबेट आता है तो उसी देखो आर और टी के बीच में एक अल्फाबेट आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आ जाएगा एक होगा बेटा एक होगा सिर्फ एक होगा वन डॉक्टर में सिर्फ वन होगा है ना और वन कौन कौन सा होगा ये आर ये वाला ये वाला केवल ये वाला ठीक है ये वाला कोई बा, कोई बात नहीं उनतालीस चौबीस ग्यारह सत्रह जो तुम सोचे वो ऑप्शन में नहीं तालीस चौबीस ग्यारह सत्रह प्राइम नंबर तुम बोल नहीं सकते अब तुम दिमाग लगा लो कि इसमें विकल्प अलग कौन सा है दिमाग लगा लो कि इसमें अलग कौन सा है ये अलग होना चाहिए अब आप देखो यहां पे क्या किया तीन का स्क्वायर नौ है दो का स्क्वायर चार है एक का स्क्वायर एक है इसलिए सत्रह अलग हो गया अब इस तरीके के भी सवाल एग्जाम में आते हैं तीन तर का नौ दो दू चार एक एक कम एक इसलिए देखो डी अलग हो जाएगा आगे चलते हैं ठीक है ये वाला क्वेश्चन है ठीक है इसका आंसर बताओ ये सारी चीजें मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए रेगुलर इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लें। बाकी कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम है ना जागर कोई दिक्कत है तो उसके लिए तो हम है ना जल्दी से सोच लो ये आपका चलिए ये आज आपका हम एच डब्ल्यू रख देते हैं और जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं बेटा जी देखो अगर तुम करंट अफेयर सुबह तुमको पूरी पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर की तो वो नीली पट्टी से ऐप डाउनलोड कर लो मैं सच बता रहा हूं उसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है वो जो नीली पट्टी पे लिंक है वहां से ऐप डाउनलोड कर लो उसमें तुमको सुबह करंट अफेयर मिल जाएगा जैसे ही अभी सी एच एस सीजीएल जो भी नई वैकेंसी आएगी तुमको सरकारी में तुम जाना भूल जाते हो अगर तो ये तुमको तुम्हें बता देगा कि ये वैकेंसी आई फॉर्म भरा

क्वेश्चन जीएस दस क्वेश्चन मैथ्स दस क्वेश्चन रीजनिंग दस क्वेश्चन इंग्लिश रोज तुमको दस दस मिलेगा तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग जहां कुछ नहीं करना कम से कम दस दस और पूरा इंडिया का बच्चा एक साथ वो क्वेश्चन करता है देखो तुम पूरे इंडिया में रैंक कहां करते हो हर चीज तुमको ऐप के अंदर मिल जाएगा तो उस नीली पट्टी पे जो लिंक है बेटवा वहां से ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना इट्स अ जस्ट रिक्वेस्ट फॉर यू और माता रानी सिलेक्शन दिला दे तो इस रिक्वेस्ट को समझ लेना कि सर भी कभी कुछ कहा करते थे

ऐसा बैच है जो 700 घंटे का है हमेशा बैच 100 घंटे 150 घंटे 200 घंटे मैक्सिमम 220 घंटे का बैच बना है मैक्सिमम और आज ये जो पहला ऐसा बैच बना है जो 700 घंटे का है मैं आपको दिखाता हूं ये 700 घंटे का है पहले मैं इसके सारी चीजें आपको बता दूं ये पहला ऐसा बैच है जो सात घंटे का है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है ये सात घंटे का ये पहला ऐसा बैच है जिसमें सात घंटे हैं ठीक 700 घंटे इसमें एक सौ छियानबे टेस्ट सीरीज है और वो भी डिटेल हल के साथ है आपको किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं कि भैया चौथा पांचवा बता दीजिए और कठिन सवालों का रिकॉर्डेड वीडियो मतलब जो कठिन सवाल है उनका वीडियो सोल्यूशन है दूसरी बात इसमें हिंदी में यहां पे हैंड रिटन नोट्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में हिंदी और इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स है दूसरी बात इसको बैच खरीदने पर एक फायदा ये होगा कि अगर तुम सवाल लगाने बैठे और नहीं आ रहा है तो तुम डाउट कभी भी पूछ सकते हो फोटो खींच के डाल दो जब तक तुम पांचवा करोगे चौथे का सोल्यूशन आ जाएगा और मान लो नहीं सही हो रहा है तो वीडियो कॉल कर सकते हो ये पहली बार ऐसा बैच आज तक अड्डा में कभी ऐसा बैच नहीं बना पहला एकलव ऐसा बैच है जो लॉन्च हुआ है दूसरी बात लाइव क्लासेस वीडियो कोर्स ये लेकिन ये लेकिन याद रखना कूपन कोड गलत मत लगा देना बेटा नहीं मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको सिर्फ परचेस करते समय कूपन कोड यूज करना है वाई ठीक है और कई लोग गलत कूपन कोड लगा देते हैं वो वाई लिखा होता है वी नहीं है मैं इतना बड़ा बड़ा लिखती हूं फिर लिखता हूं फिर भी आप उसे गलत कर देते हो वाई टू सेवन टू दूसरी बात ये ई बुक्स इसमें मिल जाती है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिलती है और यहां पे मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको अलग से मिलता है यानी कोई एक है जो आपको मेंटोर करता है कि तुमको आई ये वाला फॉर्म भरना चाहिए तुम्हारी एजुकेशन के हिसाब से तुम्हें ऐसा करना चाहिए यानी एक ऑनलाइन गार्जियन भी आपको इसमें मिल जाता है ये पहला ऐसा एकलव्य बैच है जो बनाया गया है तो आशा करते हैं आप अगर समझदार हैं तो आज इसमें जरूर ज्वाइन कर लेना और ये अब आज रात से बंद हो जाएगा टेंशन भी नहीं लेना कल से हम इसको बताएंगे भी नहीं जब एकलव अट्ठाईस दिन बाद आएगा इंट ओ तो आपको उसमें हम जरूर आपको प्रोत्साहित करेंगे लेकिन आज इसका लास्ट डे होगा दूसरी बात जो लोग लिंक से ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं ये सारी इंफॉर्मेशन और हमारी रेगुलर क्लासेस हमारी डेली क्विजेज आपको सब कुछ ऐप में प्रॉपर मिल जाती है तो जो लोग अभी ऐप डाउनलोड नहीं किए वो एक बार जाके ऐप डाउनलोड जरूर कर लेंगे ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और जाते जाते एक बार लाइक जरूर करके जाना कि सेशन मेरे साथ कैसा लगा माता रानी आपको सदबुद्धि दे आपको बड़े छोटों का अदबो अदब दे दिन दोगुनी रात आप हजार नहीं करोड़ों गुना तरक्की करें ईश्वर से यही प्रार्थना है सदा खुश रहो सदा उन्नति करो माता रानी खूब आपको जीवन में आगे बढ़ाए बड़े छोटों का अदबो अदाब सिखाए थैंक यू सो मच खूब उन्नति करो